जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग विजयनगर एम्पायर को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने विजयनगर एम्पायर स्टार्ट किया था और हमने संगम डायनेस्टी तक पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम 5 to 7 मिनट्स जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे। पहले देखिए, कल हमने बताया था कि विजयनगर एम्पायर जो है, ठीक है, ये जो हमारा साउथ इंडिया है, ठीक है, जो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र वाला पार्ट है, वहां पर ये एक बहुत ही मजबूत एम्पायर हुआ करता था, जो जिसकी नींव डाली गई थी 1336 में। दो भाई थे, हरिहरा एंड भुक्का। इस टाइम पर अगर हम बात करें, जिस टाइम पर विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, उसी टाइम पर अगर हम बात करें उत्तर में, दिल्ली में, तो दिल्ली में तुगलक वंश का शासन चल रहा था और तुगलक वंश के ही एक शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट रूल करने का फैसला किया था दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में। इससे पहले जितने भी सुल्तान हुए हैं उन्होंने इनडायरेक्ट रूल करने की बात कही थी या इनडायरेक्ट रूल किया, और इसी कारण से, चूंकि ये डायरेक्ट रूल करना चाहते थे साउथ इंडिया में, इन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया था फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, या जिसे हम दौलताबाद कहते हैं। इसी दरमियान मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में एक अभियान चलाया, साउथ में एक कैंपेन चलाया, ठीक है, और साउथ में एक कैंपेन चलाया कौन से राज्य में, एक स्टेट था कांपिल्ली, ठीक है, कांपिल्ली एक स्टेट था। वहां पर एक कैंपेन के जरिए मोहम्मद बिन तुगलक को ये दो भाई वहां मिले, हरिहर एंड भुक्का, ठीक। अब इस टाइम पर इनको, दोनों भाइयों को कैप्चर करके कहां ले जाया गया, दिल्ली ले जाया गया, और इनको इस्लाम धर्म अपना लिया गया। मतलब ये हरिहर और भुक्का जो थे, इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया, ठीक। उसके बाद फिर इनको वापस से साउथ में कैंपेन करना था, लेकिन इस बार इन्होंने कमांडर किसको बना के भेजा, हरिहरा और भुक्का को, ठीक। और जब ये साउथ में गए, ठीक है, अब ये किसकी तरफ से थे, दिल्ली सल्तनत की तरफ से थे, ठीक। तो इनको वहां पर एक संत मिले, विद्यारण्य, ठीक है, विद्यारण्य, ठीक है। तो विद्यारण्य करके एक संत थे जिनसे ये दोनों भाई मिले, और इनसे वापस प्रभावित हो करके ये वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए। मतलब जो इन्होंने इस्लाम अपना लिया था, दोनों भाइयों ने, हरिहर और भुक्का ने, उन्होंने वापस से क्या अपना लिया, हिंदू धर्म अपना लिया, ठीक। और 1336 में विजयनगर एम्पायर की स्थापना करी, ठीक, विजयनगर एम्पायर की स्थापना करी, ठीक है। अब आज जो ये विजयनगर है, ठीक है, इसका आज की डेट में अगर हम बात करें, तो आज की डेट में जो विजयनगर है इसका नाम है हम्पी। क्या नाम है? हम्पी। कहाँ है? कर्नाटका में, ठीक है, ठीक। तो इसमें, अब इस साम्राज्य में अगर हम बात करें, विजयनगर एम्पायर में टोटल 4 राजवंशों ने राज किया था। मतलब टोटल 4 डायनेस्टीज ने रूल किया था। सबसे पहली थी संगम डायनेस्टी, दूसरी थी सालुओ डायनेस्टी, तीसरी थी तुलुप डायनेस्टी, और चौथी थी अरावीडु डायनेस्टी, ठीक है। तो ये 4 डायनेस्टीज ने विजयनगर पर रूल किया। इसमें सबसे पहली डायनेस्टी जो थी वो थी संगम डायनेस्टी, ठीक है, और यही संगम डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, यही दोनों भाई, हरिहरा एंड भुक्का। अब इसको संगम डायनेस्टी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पिताजी का नाम संगम था। हरिहरा और भुक्का के जो पिता थे उनका नाम संगम था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, संगम डायनेस्टी, ठीक है। अब संगम वंश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनके फाउंडर कौन थे, हरिहरा एंड भुक्का, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी प्रारंभिक तौर पर जो राजधानी थी, ठीक है, मतलब जिसको इन्होंने अपनी सबसे पहले कैपिटल बनाया था, वो कौन सी थी, अनेगोड़ी, ठीक है, अनेगोड़ी इनकी क्या थी, सबसे पहली कैपिटल थी अनेगोड़ी, ठीक है। और उसके बाद जो हरिहर फर्स्ट थे, ठीक है, जो सबसे पहले राजा बने, उन्होंने एक नया नगर बसाया था जिसका नाम था विजयनगर, ठीक है। तो मतलब विजयनगर बसाने वाले कौन थे, विजयनगर बसाने वाले भी कौन थे, हरिहर फर्स्ट। तब उन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो अनेगोंडी से बदल के क्या कर दी थी, विजयनगर, ठीक है। तो बाद में फिर लंबे समय तक इनकी राजधानी क्या रही, विजयनगर, ठीक है, जो आज की डेट में हम्पी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद फिर हरिहर वन के बाद आए भुक्का वन, ठीक है,
भुक्का वन के बारे में इनको याद रखना है कि इनको एक टाइटल दिया गया था, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, क्योंकि चूंकि ये हिंदू थे, ठीक है, और ये वापस से वेदों के मार्ग पर चलना चाहते थे, मतलब जो हमारे वेदों में दिया हुआ था उन्हीं मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए इनको ये टाइटल दिया गया वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक, अब इनके एक पुत्र थे, ठीक है, भुक्का वन में आपको याद रखना है इनके एक पुत्र थे कंपन। कौन थे? कंपन। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, मदुरा, ठीक है, मदुरा एक जगह थी, ठीक है, उसको जीता था। ठीक है, मदुरा एक जगह थी जिसको जीता किसने था? कंपन ने, इनके पुत्र ने, भुक्का फर्स्ट के। ठीक, और इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था गंगा देवी, याद रखना है गंगा देवी पत्नी थी इनकी, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मुद्रा विजयम, मुद्रा विजयम, मुद्रा विजयम। ठीक, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है, तो आपको याद रखना है मुद्रा विजयम किसने लिखा था? गंगा देवी ने। किसकी पत्नी थी? कंपन की। कंपन के पिता का नाम कौन था? भुक्का वन। ठीक, भुक्का वन। इसके बाद मैंने बताया था आपको, ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही प्रमुख संत जिनका नाम था सायणाचार्य, सायणाचार्य, ठीक है, ये बेसिकली कौन थे? वेदों के भाष्यकार, मतलब कमेंटेटर ऑफ वेदास, कमेंटेटर ऑफ वेदास। ठीक है, तो ये कौन थे? सांख्याणाचार्य। ठीक है, और इनको संरक्षण देने का काम किसने किया था? भुक्का फर्स्ट। आपको याद रखना है भुक्का फर्स्ट ने किसको संरक्षण दिया था? सायणाचार्य को। उसके बाद फिर हरिहर टू आए, ठीक है, हरिहर टू ने जो टाइटल लिया ये आपको याद रखना है, पहले विजयनगर एम्पायर के राजा जिन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल लिया था। मैंने कल आपको पढ़ाया था हरिहर सेकेंड, आप अपने नोट्स में देखिएगा, ये जो मैं रिवीजन करा रहा हूं आप अपने नोट्स में इस चीज को देखिएगा। तो हरिहर सेकेंड ने क्या किया था? महाराजाधिराज का टाइटल लिया था, और इन्हीं को राज व्यास या राज वाल्मीकि भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? राज व्यास या राज वाल्मीकि। ठीक, इसके बाद आए थे देवराय फर्स्ट। ठीक है, देवराय फर्स्ट के समय में इटली से एक यात्री आया था, ठीक है, मतलब एक ट्रैवलर आया था जिसका नाम था निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी। ये कहां से आया था? इटली से आया था, 1420 में, तब इन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी, और उस टाइम पर शासक कौन थे? देव राय फर्स्ट। इसके अलावा बात करें, इन्होंने एक बांध बनवाया था, ठीक है, कौन सी नदी पर बांध बनवाया था? तुंगभद्रा नदी पर। तो आपको याद रखना है इन्होंने सिंचाई के लिए एक बांध बनवाया था तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है, जिस बांध का नाम क्या था? जिस बांध का नाम था हृदय बांध, हृदय बांध, ठीक है, हृदय बांध। ठीक है, तो हृदय बांध जो था, डैम जो था, ये किसने बनवाया था? देवराय फर्स्ट ने। कौन सी नदी के किनारे था ये? तुंगभद्रा नदी। ठीक, इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो देवराय फर्स्ट के ही समय में, ठीक है, एक उस टाइम पर बहमनी रूलर था फिरोज बहमन शाह। कौन थे? फिरोज बहमन शाह। मैंने आपको बताया था विजयनगर के ही पड़ोस में एक बहमनी एम्पायर हुआ करता था, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उनसे लगातार इनकी दुश्मनी चलती थी। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण करते रहते थे। तो उस टाइम पर जो बहमनी शासक था फिरोज बहमन शाह, उन्होंने विजयनगर पर आक्रमण किया था, देवराय फर्स्ट उस टाइम पे राजा थे, और इस युद्ध में देवराय फर्स्ट की पराजय हुई। ठीक है, अब पराजय होने के बाद संधि होती है, और संधि में फिर ये हुआ कि देवराय फर्स्ट को अपनी बेटी का विवाह फिरोज बहमन शाह से करना पड़ा। तो फिरोज बहमन शाह से अपनी बेटी का विवाह किसने किया था? देवराय फर्स्ट ने। ठीक है, अब इन्हीं के समय में अगर हम बात करें तो मैंने आपको एक तेलुगु पोएट का नाम बताया था, श्रीनाथ, मैंने बताया था आपको श्रीनाथ के बारे में। ये देवराय फर्स्ट के भी दरबार में थे, और इसके बाद जो राजा बनेंगे देवराय सेकंड, उनके भी दरबार में थे। ठीक, तो इनके जो तेलुगु के कवि थे श्रीनाथ, ठीक है, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी या ग्रंथ जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम था हर विलास। तो आपको याद रखना है हर विलास किसने लिखी थी? श्रीनाथ ने। ठीक है, श्रीनाथ ने। ठीक,
इसके बाद अगले जो राजा बने वो बने देवराय सेकंड। देवराय सेकंड शक्तिशाली राजा था, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, इसीलिए इसको इमादी देवराय भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था इमादी देवराय का टाइटल किसको मिला था, देवराय सेकंड को। इसके बाद फिर इन्होंने कवि श्रीनाथ को, ठीक है, इन्होंने ही कवि श्रीनाथ को सार्वभौम की उपाधि दी थी, सार्वभौम, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा सार्वभौम की उपाधि किसने दी थी, देवराय सेकंड ने, किसको, श्रीनाथ को। श्रीनाथ जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, हरविलास, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनको, इनके अभिलेखों में इनको गज वेटकर भी कहा जाता था। गज वेटकर का मतलब होता है जो हाथियों का शिकार करते, ठीक है, तो जो हाथियों का शिकार करते थे उनको क्या बोला जाता है, गज वेटकर, ठीक है। और ये देवराय सेकंड ही थे जिन्होंने अपनी सेना में मुसलमान सैनिकों को भर्ती किया था। तो मुसलमान सैनिकों को भर्ती करने वाले पहले राजा विजयनगर एम्पायर के जो थे वो थे देवराय सेकंड। कारण क्या था, देवराय फर्स्ट इससे पहले फिरोज बहमन शाह से हारे थे। क्यों हारे थे, उनके जो सेना थी, ठीक है, इस मुसलमानों की, उनकी सेना में जो तीरंदाज हुआ करते थे, मतलब जो तीर कमान चलाया करते थे घोड़े पर बैठ के, वो बड़े सुदृढ़ हुआ करते थे, ठीक है। तो उस मिस्टेक को देखते हुए देवराय सेकंड ने भी मुसलमान सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया। अब जब आप मुसलमान सैनिकों को भर्ती करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर मुसलमान आपके राज्य में रहेगा तो आपको उनकी धार्मिक जगह भी देनी पड़ेगी। इसीलिए देवराय सेकंड पहले ऐसे राजा हैं विजयनगर एम्पायर के जिन्होंने अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र में मस्जिद भी बनवाई थी। और ये मस्जिद किसके लिए बनवाई थी, उन मुसलमान सैनिकों के लिए, ठीक। तो ये थे देवराय सेकंड, ठीक है। अब इन्हीं के दरबार में, ठीक है, इनके दरबार में, मतलब देवराय सेकंड के दरबार में, ठीक है, एक पर्सियन उस टाइम पर जो जगह थी फारसी, ठीक है, फारस के एक शासक हुआ करते थे शाहरुख। क्या हुआ करते थे, शाहरुख। उन्होंने अपना एक राजदूत भेजा था, या हम जिसे कहें एम्बेसडर भेजा था, जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। नाम याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक। ये जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये किसके शासन काल में आए हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो उस टाइम पर, ठीक है, वो सैनिक, ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक नाम का एक एम्बेसडर था जो किनके समय में आया, देवराय सेकंड के समय में। और ये कौन था, ये पर्सिया के राजा, फारस के राजा शाहरुख का एक तरीके से कहा जाए एम्बेसडर था या राजदूत, ठीक। और इसने ही विजयनगर के शहर को देखा, तो इसने अब्दुल रज्जाक के ही अनुसार उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा शहर पूरे विश्व में नहीं देखा, ठीक। मतलब उन्होंने इतना भव्य शहर नाम लिया कि मैं पूरी दुनिया घूमा लेकिन इतना भव्य शहर मैंने नहीं देखा। ये किसके बारे में बोला गया, विजयनगर के, ठीक। तो ये थे देवराय सेकंड। इसके बाद जो अगले बने वो बने मल्लिकार्जुन, ठीक है। मल्लिकार्जुन में आपको सिर्फ ये याद रखना है, इन्हें प्रोड़ देवराय कहा गया था। इनको जो टाइटल दिया गया था वो दिया गया था प्रोड़ देवराय। और इन्हीं के शासन काल में चाइना का एक यात्री आया था, ट्रेवलर, जिसका नाम था माऊ आन, ठीक है। उसने विजयनगर की यात्रा किसके समय में की थी, मल्लिकार्जुन के समय में। अब इसके बाद वीरूपाक्ष सेकंड जो थे वो आखिरी राजा थे संगम डायनेस्टी के, विजयनगर एम्पायर के नहीं, संगम डायनेस्टी के आखिरी राजा कौन थे, वीरूपाक्ष सेकंड, ठीक। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका एक गवर्नर हुआ करता था सालूब नरसिंह। इनका एक गवर्नर हुआ करता था सालूब नरसिंह। और इस सालूब नरसिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था नरसा नायक। ये नाम याद रखिएगा, नरसा नायक कौन था, ये सेनापति था किसका, इनके गवर्नर का नाम क्या था, सालूब नरसिंह, ठीक है। तो सालूब नरसिंह को, ये जो नरसा नायक है, ठीक है, इन्होंने देखा कि वीरूपाक्ष सेकंड जो हैं, ठीक है, इनकी मृत्यु के पश्चात नरसा नायक ने सालूब नरसिंह को गद्दी पर बिठाया,
शालूब नरसिंह को किस पर बताया, राजगद्दी पर बिठाया, और इस तरीके से संगम डायनेस्टी का खात्मा हो गया। क्योंकि संगम डायनेस्टी का आखिरी राजा कौन था, विरूपाक्ष सेकंड, और उसको गद्दी से हटा करके किसको गद्दी पर बिठाया गया, शालूब नरसिंह को, नरसिम्हा को, ठीक। और इसी तरीके से संगम डायनेस्टी खत्म हुई और अब जो अगली डायनेस्टी आएगी वो आएगी शालूब डायनेस्टी, ठीक है। और चूंकि यहां पर बलपूर्वक एक साम्राज्य को खत्म किया गया था, इसीलिए इसको विजयनगर के इतिहास का फर्स्ट फर्स्ट बला पहाड़ कहा जाता है। बला पहाड़, बला पहाड़ मतलब जिसको युद्ध के द्वारा जीता गया, जिस क्षेत्र को युद्ध के द्वारा जीता गया, ठीक। तो इनको क्या कहा गया, फर्स्ट बला पहाड़, बला पहाड़, ठीक। तो यहां तक हमने कल पढ़ा था, ठीक, विरूपाक्ष सेकंड तक। अब इसके बाद गद्दी पर कौन बैठे, शालूब नरसिंह, ठीक है। अब किस वंश की शुरुआत होगी, शालूब डायनेस्टी की। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर में, वो कौन सी डायनेस्टी है, शालूब डायनेस्टी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं शालूब डायनेस्टी। देखिए सालुवा डायनेस्टी की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया था इनके फाउंडर कौन थे या संस्थापक कौन थे, शालूब नरसिंह, ठीक है। लेकिन ये जब गद्दी पर बैठे, ठीक है, तो बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी, शालूब नरसिंह की, ठीक। तो इनका उस टाइम पर एक माइनर बेटा हुआ करता था जिसका नाम था टिम्मा, ठीक है, टिम्मा नाम था इसका, ठीक है। ये चूंकि माइनर था इसलिए इनके गार्जियन कौन थे, नरसा नायक। अब आप जानते हैं ये नरसा नायक कौन है, ये पहले ही शालूब नरसिंह के जो ये गवर्नर हुआ, मतलब एक तरीके से मिलिट्री इंचार्ज हुआ करते थे, नरसा नायक, ठीक है। तो जब शालूब नरसिंह खत्म हुए, ठीक है, तो उसके बाद उनका माइनर बेटा टिम्मा, ठीक है, जिसके गार्जियन कौन थे, नरसा नायक, ठीक। लेकिन इनकी भी क्या है, मृत्यु जो हो गई थी वो बहुत जल्दी हो गई थी। तो इसके बाद जो अगले बने वो बने इमादी नरसिंह, ठीक है, अगले जो राजा बने वो बने इमादी नरसिंह। देखिए सलुवा डायनेस्टी में सिर्फ यही तीन राजा बने हैं, शालूब नरसिंह, टिम्मा और इमादी नरसिंह, ठीक है। तो इमादी नरसिंह अगले राजा बने, लेकिन इमादी नरसिंह को किसने मार दिया, ठीक है, ये भी ज्यादा टाइम तक शासन नहीं कर पाए। और इनको मारा किसने, नरसा नायक का एक बेटा था जिसका नाम था वीर नारायण सिंह, ठीक है, वीर नरसिंह, ठीक है, ये है वीर नरसिंह, ठीक। इन्होंने क्या किया कि भाई नरसा नायक जो हैं ये अभी तक तो क्या थे, मिलिट्री इंचार्ज थे, और माइनर माइनर लोग क्या बन रहे थे, राजा बन रहे थे, तो इनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा थी वीर नरसिंह की, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, लास्ट वाला जो रूलर थे इमादी नरसिंह, उनको खत्म किया, और उनको खत्म करने के बाद एक नई डायनेस्टी का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ तुलुवा डायनेस्टी, ठीक है। अगली जो डायनेस्टी आई विजयनगर में वो कौन सी आई, तुलुवा डायनेस्टी, ठीक है। और इस तुलुवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, वीर नरसिंह, ठीक है। और ये भी चूंकि युद्ध के बल पर, ठीक है, ये भी चूंकि युद्ध के बल पर जीता गया था, इसीलिए इसको सेकंड बला पहाड़ कहा गया, ठीक। फर्स्ट बला पहाड़ कौन था, जब सलुवा वाले ने, सलुवा नरसिंह ने आखिरी राजा संगम डायनेस्टी के विरूपाक्ष सेकंड को खत्म किया, क्लियर। तो वो फर्स्ट बला पहाड़ था, ये सेकंड बला पहाड़ है, ठीक है। तो सलुवा वंश में इतना ही था, तीन ही राजा आपको याद रखने हैं, शालूब नरसिंह, टिम्मा और इमादी नरसिंह। अब जो अगली डायनेस्टी आई वो आई तुलुवा डायनेस्टी, ठीक। तो अगली जो डायनेस्टी है वो कौन सी है, तुलुवा डायनेस्टी, ठीक है। अब तुलुवा डायनेस्टी की अगर हम बात करें, तो इसके फाउंडर मैंने अभी आपको बताया कौन थे, वीर नरसिम्हा, ठीक है, वीर नारायण, ठीक है, नारायण सिम्हा, ठीक है, नारा सिम्हा, I'm sorry, मैंने नारायण सिंह बोल दिया था, वीर नरसिम्हा, ठीक है, वीर नरसिम्हा जो अगला वंश रहा है, ठीक है, उसके संस्थापक रहे हैं वीर नरसिम्हा, ठीक। इसके बाद इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा, ठीक है, जो तलुवा डायनेस्टी के, या हम कहें विजयनगर एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो रहे हैं वो अगले रहे हैं कृष्णदेव राय। देखिए इनके बारे में आपको बड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनमें फैक्ट्स बहुत हैं, कृष्णदेव राय, ठीक है। अब इनके बारे में अगर हम बात करें, कृष्णदेव राय के बारे में, ठीक है, तो इनका जो है, अब बाबर ने अपनी किताब, ठीक है, बाबर ने एक किताब लिखी थी अपनी आत्मकथा बाबरनामा, ठीक है, उसमें इन्होंने कृष्णदेव राय को हिंदुस्तान का उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा बताया, ठीक।
तो बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में बाबर ने कृष्ण देव राय को सबसे शक्तिशाली राजा बताया हिंदुस्तान का। ठीक, हालांकि उसने राणा सांगा और इब्राहिम लोधी का भी नाम लिया था, लेकिन बाबर ने अपनी किताब में इंडिया का जो सबसे शक्तिशाली राजा है, मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ इंडिया, वो किसको बताया? कृष्णदेव राय को। ठीक, अब इसके बाद बात करें अगला, तो इन्होंने जो टाइटल्स लिए, ठीक है, इनके जो टाइटल्स हुआ करते थे वो हुआ करता था यवन राज स्थापनाचार्य, इसके अलावा अभिनव भोज, आंध्रा भोज और आंध्र पितामह। ठीक है, तो ये सब इनके टाइटल थे, आंध्र भोज हो गया, आंध्र पितामह हो गया, ठीक है, यवन राज स्थापनाचार्य, ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक, अब देखिए यहां पर ये भोज शब्द का इस्तेमाल किया गया, आंध्रा भोज या अभिनव भोज। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जो भी राजा रूल किया करते थे उनको भोज कहा जाता था, उनको क्या बोला जाता था? भोज। इसलिए आपको ये याद रखना है, दक्षिण भारत में जो भी राजा बना है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? भोज कहा जाता था, भोज। क्लियर हुआ? तो इनके टाइटल्स आपको याद रहेंगे, यावण राज स्थानापनाचार्य, अभिनव भोज, आंध्र भोज और आंध्र पितामह। अगला अगर हम बात करें इनके कोर्ट में, ठीक है, कृष्णदेव राय की जो कोर्ट हुआ करती थी, इसमें 8 तेलुगु स्कॉलर्स हुआ करते थे। ठीक है, मतलब कि कृष्णदेव राय के दरबार में अगर हम बात करें तो टोटल 8 तेलुगु विद्वान, या जिसको कहें 8 तेलुगु स्कॉलर्स हुआ करते थे, ठीक, जो इनके दरबार में रहते थे, जिनको बोला जाता था अष्ट दिग्गज। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ये 8 जो तेलुगु स्कॉलर थे, तेलुगु, ठीक है, तो इनको क्या कहा गया था? अष्ट दिग्गज, अष्टा दिग्गज। और इनमें भी, इन अष्टा दिग्गजों में भी जो सबसे सुप्रीम थे, ठीक है, जो थे वो थे अलसानी पेद्दानी, ये आपको याद रखना है, अलसानी पेद्दानी। ठीक है, ये इन 8 तेलुगु स्कॉलर जो थे उनमें सबसे सुप्रीम थे। ठीक है, 8 तेलुगु स्कॉलर हुआ करते थे जिनका नाम रखा गया था अष्ट दिग्गज। ठीक, और इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनको तेलुगु की कविता का या तेलुगु पोएट्री का पिता भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तेलुगु पोएट्री का पिता। ठीक है, तो ये जो अल्लासानी पेद्दानी थे इनको तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि दी गई है, फादर ऑफ तेलुगु पोएट्री। ठीक है, किसको? अल्लासानी पेद्दानी को। ये 8 तेलुगु स्कॉलर्स में से एक थे। किसके? कृष्णदेव राय के। अगला अगर हम बात करें, हिज रीन इज कॉल्ड द क्लासिकल एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। ठीक है, इनके समय में जो ये है, इनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। क्लासिक का मतलब ये होता है कि इनके समय में तेलुगु लिटरेचर का बड़ा प्रोत्साहित किया गया। किसको? तेलुगु लिटरेचर को, ठीक है, तेलुगु साहित्य को। इसीलिए यहाँ पर लोग जो हैं वो तेलुगु साहित्य के प्रति इमोशनल है। ठीक है, तो इसीलिए इनके रीन को क्या कहा गया? क्लासिक एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तेनाली रामा, देखिए नाम सुना होगा आपने, सोनी टीवी पर एक सीरियल आया करता था तेनाली रामा। ठीक है, ये वही तेनाली रामा है, विजयनगर वाले। ठीक, और ये जो उसमें राजा थे उन वो कौन थे? कृष्णदेव राय। तो इनके जो 8 तेलुगु साहित्य, ठीक है, तेलुगु साहित्य के या कवि अगर हम कहें उनको, तो ये जो अष्ट दिग्गज हुआ करते थे उनमें से एक तेनाली रामा थे, और तेनाली रामा ने एक बुक कंपोज करी जिसका नाम था पांडुरंग महात्म्य। ठीक है, तो आपको याद रखना है पांडुरंग महात्माया, ये किसने लिखी है? तेनाली रामा। तेनाली रामा कौन थे? 8 जो स्कॉलर हुआ करते थे तेलुगु के, उनमें से एक। क्लियर? इसके बाद अगला अगर हम बात करें कृष्णदेव राय के बारे में, तो उस टाइम पर अगर हम बात करें कृष्णदेव राय की, तो उस टाइम पर रायचूर दोआब बीजापुर में, यूसुफ आदिल शाह गोलकोंडा और कुतुब शाह, ठीक है, बीजापुर सुल्तान इस्माइल आदिल, ठीक है, इन सभी लोगों को हराने का काम कृष्णदेव राय ने किया था। देखिए जब कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठे ना, उस टाइम पर बहामनी किंगडम जो था ना, जो बहामनी जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया था। डिसइंटीग्रेट मतलब उसके जो छोटे छोटे रीजन्स,
वह अलग राज्य शुरू हो गया था। जैसे अगर हम बीजापुर की बात करें तो यहाँ पे थे यूसुफ आदिल शाह, फिर इसके बाद गोलकोंडा की बात करें तो वो थे कुली कुतुब शाह, ठीक। या बीजापुर की बात करें तो इनमें भी सुल्तान इस्माइल आदिल, ठीक है। तो ये सारे लोग थे, ठीक है, जिनको एक एक करके कृष्णदेव राय ने हराया था, ठीक है। तो कृष्णदेव राय ने इन सबको हराया था। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कृष्णदेव राय ही थे जिनके समय में जो पोर्चुगीज कमांडर थे एल्बर क्यू की, ठीक है, इनको किला बनाने की परमिशन दी गई एट भटकल, एंड इस कंडीशन पर कि एल्बर क्यू रेस्ट गोवा फ्रॉम दी मुस्लिम्स। देखिए इनको जब पुर्तगाली, देखिए जनरली क्या होता था कि जितने भी उस टाइम पर ट्रेडिंग का काम होता था, देखिए जब तक पुर्तगाली नहीं आए थे उस टाइम पर जितना भी ट्रेडिंग का काम हुआ करता था, या हम कहें व्यापार का था, तो जनरली जो था वो अरबी लोगों के हाथ में था। मतलब जितने भी आपको ट्रेडर्स मिलते थे वो क्या मिलते थे, अरबी, अरब, ठीक है, अरब वाले, ठीक। तो इसके कारण क्या हो रहा था, अब चूंकि विजयनगर एम्पायर क्या था, एक हिंदू डायनेस्टी थी, ठीक, तो इसी कारण से विजयनगर एम्पायर को बहुत दिक्कतें आ रही थी बिजनेस करने में, क्योंकि सारे जितने भी जो वहां पर जो भी ट्रेडर्स थे वो सब अरब थे, ठीक। तो इसी कारण से इन्हों जब पोर्चुगीज इनके दरबार में आए, कौन, एल्बर क्यू की, तो उन्होंने इनको फोर्ट बनाने की परमिशन दे दी, लेकिन इस कंडीशन में कि एल्बर क्यू की जो है ये गोवा को मुस्लिमों से आजाद कराएंगे, गोवा को मुसलमानों से आजाद कराएंगे, ठीक है, ये था, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्हीं के समय में एक पोर्चुगीज ट्रेवलर थे डोमिंगो पियूस, ठीक है, एंड बारबोसा। डोमिंगो पियूस और बारबोसा जिन्होंने विजयनगर की यात्रा करी थी, ठीक है। तो ये पोर्चुगीज ट्रेवलर थे डोमिंगो पियूस और बारबोसा, ये किसकी यात्रा करे, विजयनगर की। इसके बाद अगला बात करें तो कृष्णदेव राय कंपोज्ड ऑफ द फेमस टेक्स्ट अमुक्त मलयाद इन तेलुगु एंड जामवती कल्याणम अ ड्रामा इन संस्कृत लैंग्वेज। देखिए कृष्णदेव राय जो थे, ठीक है, इन्होंने तेलुगु में, ठीक है, एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा अमुक्त मलयाद, ठीक है। तो आपको याद रखना है अमुक्त मलयाद जो है ये एक तेलुगु में लिखा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। इसके अलावा संस्कृत भाषा में एक नाटक जामवंती कल्याणम की रचना की, ठीक है। तो जामवंती कल्याणम जो था ये एक ड्रामा था, ठीक है, और अमुक्ता मल्याद जो था वो एक टेक्स्ट था, ठीक है। तो जमाती कल्याणम, ठीक है, ड्रामा था, संस्कृत, ठीक है, इन दोनों को ही कंपोज किसने किया था, कृष्णदेव राय ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है कृष्णदेव राय ने इन दोनों को कंपोज किया था, ठीक। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो कृष्णदेव राय ने एक नया शहर बताया था जिसका नाम था नगलपुर, ठीक है। तो आपको याद रखना है नगलपुर नाम का एक शहर बसाया था, और इसके अलावा इन शहरों पर जो मंदिर बनवाए गए थे, ठीक है, वो कौन कौन से मनवाए गए थे, एक तो हजारा और दूसरा विट्ठल स्वामी, ठीक है। तो आपको याद रखना है दो मंदिर बनवाए गए थे, हजारा और विट्ठल स्वामी, किसके द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा। अगला अगर हम बात करें तो ही एबॉलिश द मैरिज टैक्स इन विजयनगर, ठीक है। इन्होंने जो शादियों पर टैक्स लगा करता था उसको भी कहाँ से खत्म किया, विजयनगर से खत्म किया, ठीक। इसके बाद, ठीक है, ये थे कृष्णदेव राय। 10 से 11 पॉइंट हमने कृष्णदेव राय के बारे में पढ़े हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि किसी भी पॉइंट पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये 8, 10, 11 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक। अब अगला जो राजा बनता है, ठीक है, वो कौन है, अच्युत देव राय, ठीक है। अगला जो राजा बनता है वो कौन बनता है, अच्युत देव राय। इनके बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इनके ही शासनकाल में एक पोर्चुगीज ट्रेवलर आया था जिसका नाम था न्यूनिस, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखिए मैंने आपको बताया ना जितने भी विदेशी यात्री हैं, ठीक है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, कौन किसके राज्य में आया, ठीक है। तो अच्युता देव राय जो है इनके समय में पोर्चुगीज ट्रेवलर न्यूनिस जो है वो भारत आया था, ठीक। अब इसके बाद, ठीक है, जो अगले राजा बने, ठीक है, वो बने सदाशिव राय, ठीक है। अगले जो राजा बने वो कौन बने, सदाशिव राय।
इनके बारे में कहा जाए तो ये एक नॉमिनल रूलर थे, ठीक है, मतलब रियल पावर जो विजयनगर की उस टाइम पर थी वो इनके एक जनरल और मिनिस्टर हुआ करते थे रामराज, ठीक है, तो इनके हाथ में पूरी बागडोर थी, ठीक है। तो सदाशिव राय क्या थे, ये इनके हाथ में कोई बागडोर नहीं थी, ये एक नॉमिनल रूलर थे, लेकिन उसी टाइम पर जो इनके जनरल या मिनिस्टर हुआ करते थे रामराज, ठीक है, उनके हाथ में असली ताकत थी विजयनगर की, ठीक है। तो असली ताकत विजयनगर की किनके हाथ में थी, रामराज की, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इनके समय में रामराज वो स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन दी नेबरिंग मुस्लिम स्टेट्स। देखिए ये जो रामराज थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो पड़ोसी मुस्लिम स्टेट हुआ करते थे उनके यहां दखल अंदाजी शुरू कर दी थी, ठीक है। अब देखिए जब आप पड़ोसी देश में जाकर के दखल अंदाजी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ठीक है। और यही जो रामराज जो नेबरिंग मुस्लिम स्टेट्स में इंटरफेयर कर रहे थे, उसी का नतीजा निकला कि इनके और मुसलमान रूलर्स के बीच में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है। तो बैटल ऑफ तालीकोटा की नीवी यही थी कि रामराज, ठीक है, इन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था जो पड़ोसी मुस्लिम राज्य हुआ करते थे, ठीक है। तो इन्हीं के फलस्वरूप एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, बैटल ऑफ तालीकोटा क्या था, मतलब ये कौन सा युद्ध था, किसके किसके बीच में हुआ था और परिणाम क्या था, ठीक। तो अब हम अगले उसमें जाते हैं, बैटल ऑफ तालीकोटा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि युद्ध हुआ कब था। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 23 जनवरी 1565 को, ठीक है। तो आपको याद रखना है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, 23 जनवरी 1565, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ वो 23 जनवरी 1565 को हुआ, ठीक। इसमें अगला अगर हम बात करें तो इस युद्ध में एक साइड पर विजयनगर था और जिसके जिसके कमांडर कौन थे, रामराय, ठीक है, और दूसरी साइड पर गोलगोंडा, ये अहमदनगर, बीजापुर, बीदार, ठीक है, जिनके कमांडर कौन थे, सुल्तान यूसुफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर, ठीक है। तो इन कंबाइंड फोर्सेस ने, ठीक है, किस पर आक्रमण किया, विजयनगर। विजयनगर पर उस टाइम के कमांडर कौन थे, राम राय, ठीक है। तो आपको याद रखना है विजयनगर के कमांडर कौन थे, राम राय, और सामने से कौन था, सुल्तान यूसुफ आदिल शाह बीजापुर वाला, और इसके साथ दे रहे थे गोलकोंडा, अहमदनगर और बिदार, ठीक। अब इसमें परिणाम क्या हुआ, तो इसमें परिणाम ये हुआ कि विजयनगर की हार हुई, ठीक है, विजयनगर को हराया गया और उनके पूरे देश को बहुत बुरी तरीके से लूटा गया, ठीक है, चूंकि विजयनगर के पास बहुत ज्यादा धन था, विजयनगर एम्पायर के पास, तो उनको क्या किया गया, बहुत बेदर्दी से लूटा गया, ठीक है, और इस युद्ध में उनकी क्या हुई, हार हुई, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें इस हार में, ठीक है, आफ्टर दिस वॉर सदाशिव राय विद द हेल्प ऑफ रामराज ब्रदर तिरुमल स्टार्टेड रूलिंग बाय मेकिंग पेनुकोंडा द कैपिटल, पेनुकोंडा द कैपिटल। देखिए अभी मैंने आपको बताया था जब ये वंश की शुरुआत हुई थी उस टाइम पर जो इनकी राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी एनीकोंडा, ठीक है, एनीकोंडा हुआ करती थी, और एनीकोंडा के बाद फिर इनकी राजधानी परिवर्तित करके क्या कर दी गई, विजयनगर, ठीक है। तो एनीकोंडी के बाद क्या बनाया गया, विजयनगर, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक, अब इन्होंने क्या किया, सदाशिव राय ने रामाराज के भाई तिरुमल के मदद से, ठीक है, इसने रूल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, रामराज के भाई ने, ठीक है, रूल करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और अपनी राजधानी विजयनगर से बदल के क्या कर दी, पेनुकोंडा, ठीक है। तो आपको याद रखना है पेनुकोंडा क्या बन गई, अब विजयनगर की राजधानी। इसके बाद बात करें, ठीक है, लेटर तिरुमल, अगर हम बात करें तिरुमल की, रिप्लेस्ड सदाशिवराज एंड एस्टैब्लिश्ड अ डायनेस्टी कॉल्ड अराईविदु डायनेस्टी। देखिए अभी शुरुआत में क्या हुआ था, सदाशिव राय गद्दी पर बैठा, ठीक है, अब ये तिरुमल कौन था, रामराज का भाई, ठीक है, बाद में रामराज ने सदाशिव राज को हटाया, उनको रिप्लेस किया और खुद गद्दी पर बैठा, और इसी ने एक नई डायनेस्टी को जन्म दिया जिसका नाम था अराईविदु डायनेस्टी,
एक तो आपको याद रखना है अराइवेदु डायनेस्टी, ठीक है, ये इनके समय में हुआ था। ठीक, अब नई अगली जो डायनेस्टी आई, आखिरी डायनेस्टी विजयनगर की, वो थी अराइवेदु डायनेस्टी। इनके फाउंडर आप जानते हैं कौन थे, तिरुमल। तिरुमल किसके भाई थे, रामराय के भाई थे। ठीक, इसके बाद बात करें अगले जो राजा बनते हैं, वो बनते हैं वेंकट सेकंड। ठीक है, वेंकट सेकंड के बारे में बात करें तो इट इस्टेब्लिश्ड डायरेक्ट करेस्पॉन्डेंस विद फिलिप थर्ड द रूलर ऑफ स्पेन। ठीक है, मतलब देखिए इन्होंने क्या किया, आदान प्रदान डायरेक्टली किया। उस टाइम पर स्पेन के एक राजा हुआ करते थे फिलिप थर्ड, ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्ट करेस्पॉन्डेंस उनके साथ मेल मिलाप किया। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवहार, ठीक है, व्यवहार स्थापित किया, सीधा पत्र। इसके बाद अगला बात करें तो इन्होंने अब जो राजधानी थी, ठीक है, कौन सी राजधानी बनाई थी, पेनुकोंडा, ठीक है, उनकी राजधानी अब चेंज करके क्या कर दी गई, चंद्रगिरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है विजयनगर एम्पायर में चार राजधानियां रही, ठीक है, पहली कौन सी रही, एनीगोंडा। ठीक है, एनीगोंडा से फिर चेंज किस करके क्या किया गया, विजयनगर। ठीक है, विजयनगर से फिर इसको बदला गया, ठीक है, और बदल करके विजयनगर से इसको क्या किया गया, ठीक है, तो विजयनगर जो था इससे बदल के इनको क्या किया गया, पेनुकोंडा। ठीक है, तो तीसरी राजधानी बनी विजयनगर की वो कौन सी बनी, पेनुकोंडा, और पेनुकोंडा को हटाने के बाद फिर इन्होंने वेंकट सेकंड ने नई राजधानी बनाई जिसका नाम था चंद्रगिरी सेकंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है चंद्रगिरी सेकंड, तो चंद्रगिरी, आई एम सॉरी, चंद्रगिरी सेकंड नहीं, चंद्रगिरी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है विजयनगर एम्पायर की चार राजधानियां हुई हैं, एनीगोंडा, विजयनगर, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। ठीक है, चंद्रगिरी किसने बनवाई थी, वेंकट सेकंड ने। ठीक, अगला अगर हम बात करें तो इन्हीं के समय में मैसूर में एक डायनेस्टी का जन्म हुआ जिसका नाम था वाडिया डायनेस्टी। ठीक है, वाडिया डायनेस्टी, वो मैसूर में कब इस्टेब्लिश हुई, 1612 में। ठीक है, ठीक है, वेंकट सेकंड का ही उस टाइम रूल चल रहा था। ठीक है, वेंकट सेकंड का ही क्या चल रहा था, रूल चल रहा था। ठीक, तो समझ में आया आपको वेंकट सेकंड। ठीक, इसके बाद वेंकट सेकंड के बाद, ठीक है, जो अंतिम शासक होते हैं, ठीक है, जो लास्ट रूलर थे, उनका नाम था रंग थर्ड। तो आपको याद रखना है एंटायर विजयनगर एम्पायर, पूरे विजयनगर एम्पायर की बात करें, मैं पर्टिकुलर डायनेस्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विजयनगर एम्पायर, तो पूरे विजयनगर एम्पायर में जो सबसे पहले शासक बने, ठीक है, वो कौन बने, हरिहर। ठीक है, हरिहर सबसे पहले शासक बने, और पूरे विजयनगर एम्पायर में, मतलब चारों डायनेस्टीज को मिला दिया जाए, उसके बाद जो सबसे लास्ट रूलर बने वो बने रंग थर्ड। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक, तो ये सारी डायनेस्टीज थी जिन्होंने विजयनगर के ऊपर रूल किया। ठीक है, सबसे पहली संगम डायनेस्टी थी, संगम डायनेस्टी के बाद सलुवा डायनेस्टी आई, सलुवा के बाद तलुवा आई, और उसके बाद फिर आखिरी कौन सी आई, अराइवीदु। ठीक है, अराइवीदु। ठीक, तो ये आपको विजयनगर के डायनेस्टी समझ में आई, राजा किसने क्या क्या किया, चार राजधानियां थी इनकी, एनेगोंडा, विजयनगर, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है विजयनगर एम्पायर की प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, देखिए किसी भी एम्पायर की चलाने के लिए जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, प्रशासनिक व्यवस्था विजयनगर में कैसी थी, ये हमें अब डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, हम विजयनगर में दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, हम इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था के बाद फिर हम जो देखेंगे वो देखेंगे सोशल। ठीक है, मतलब सामाजिक तौर पर विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था, या हम कहें सोशल सिस्टम कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें हम, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले आती है केंद्रीय शासन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब जिसका केंद्र होता है, मतलब जो केंद्र से चलती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब केंद्रीय शासन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में अब हम देखेंगे कि इसमें कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हुआ करता था राजा।
देखिए राजा सभी डायनेस्टीज में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन हुआ करता था? राजा, ठीक है। तो राजा के बारे में यहां क्या लिखा है ये देखते हैं, ठीक है। द पावर ऑफ किंग इन विजयनगर वॉज ऑटोक्रेटिक, ही वॉज कॉल्ड राय, ठीक है। विजयनगर में राजा को राय कहा जाता था, ठीक है। ही वॉज द सेंटर ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन, द एंटायर पावर ऑफ द स्टेट वॉज वेस्टेड इन हिम। इसका मतलब क्या है कि विजयनगर एम्पायर में जो राजा हुआ करती थी उसकी सत्ता निरंकुश हुआ करती थी, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब यह होता है निरंकुश होना। निरंकुश मतलब जो मैंने कह दिया वो फाइनल है, कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो मैंने कह दिया वो फाइनल है। इस तरीके की सिस्टम को बोला जाता है ऑटोक्रेटिक सिस्टम, जिसको हम निरंकुश कहते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनको राय कहा जाता था, ठीक है। जैसे आपने देखा था कृष्ण देव राय माने जाते थे, ठीक है। तो इनके राजाओं को क्या माना जाता था? राय, ठीक है। और पूरे अगर हम बात करें पूरे प्रशासन की, ठीक है, पूरे प्रशासन का केंद्र हुआ करता था राजा, ठीक है। मतलब पूरी संपूर्ण शक्ति या हम कहें पूरा केंद्र जो था वो सिर्फ और सिर्फ किसका था? राजा का। तो इनकी संपूर्ण शक्ति जो हुआ करती थी वो उसी में निहित थी, किसमें? राजा में निहित थी, ठीक है। बट इन प्रैक्टिस ही वॉज नॉट ऑटोक्रेटिक, ही यूज टू रूल अकॉर्डिंग टू धर्म, ठीक। लेकिन देखिए अगर हम बात करें वैसे तो ये निरंकुश थे, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप में या इन प्रैक्टिस अगर हम बात करें तो ये निरंकुश नहीं थे, मतलब ऑटोक्रेटिक नहीं थे, मतलब ही वॉज नॉट ऑटोक्रेटिक बट ही वॉज रूलिंग अकॉर्डिंग टू धर्म। इसका मतलब वे धर्म के अनुसार शासन करते थे, ठीक है। मतलब भले ही उनको कहा गया कि वो ऑटोक्रेटिक हैं, वो थे भी, लेकिन जो वो शासन किया करते थे वो ऑटोक्रेटिक तरीके से ना करके धर्म के अकॉर्डिंग किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा बात करें द किंग यूज टू डिक्लेयर द क्राउन प्रिंस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम सो दैट देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेशन। देखिए जैसे हमारे यहां देखें आप शुरुआत से ही राजे महाराजाओं में अपने पुत्र को पहले ही युवराज घोषित कर दिया जाता था। क्राउन प्रिंस का मतलब होता है युवराज। युवराज का मतलब होता है कि भाई मेरी मृत्यु के बाद राजा ने इस व्यक्ति को नियुक्त कर दिया है कि भैया ये युवराज है, तो मेरे जाने के बाद यही राजा बनेगा ताकि आगे चल के। अच्छा ये आप एक चीज नोटिस करिए कि ये चीजें जो होती थी ना ये हिंदू राजाओं में बहुत ज्यादा थी। आप महाभारत काल देख लें, आप इवन रामचंद्र जी और पीछे चले जाएं उनके काल में देख लें, हर राजा का एक पर्टिकुलर युवराज हुआ करता था, जिसको ये माना जाता था कि राजा अपने जीवन काल में अपना युवराज नियुक्त कर दे ताकि जब कभी उसकी मृत्यु हो तो आपस में एक दूसरे में गद्दी के लिए लड़ाई ना हो, भाई पहले से तय हो जाए कि साहब ये हमारा व्यक्ति जो है ये युवराज है और यही राजा बनेगा। तो इसीलिए आप देखें वॉर ऑफ सक्सेशन जो है ये हिंदू राजाओं में नहीं हुआ करता था या बहुत कम हुआ करता था, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होता था, होता था लेकिन उसका पैमाना बहुत छोटा था, ठीक। लेकिन आप वही उसी तरफ आप इस्लाम के जो शासक हुआ करते थे या जो सुल्तान हुआ करते थे, ठीक, उनके यहां ये सक्सेशन का नियम नहीं था, उनके यहां कोई युवराज नहीं बनाया जाता था, ठीक है। तो इसी कारण से वहां आप देखेंगे जैसे ही सुल्तान खत्म होता था वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता था, एक दूसरे का गला काटने लगते थे गद्दी पर बैठने के लिए। हिंदू राजाओं में ऐसा बहुत कम हुआ है क्योंकि इनके यहां क्या होते थे पहले से ही युवराज नियुक्त कर दिया जाता था, तो इनके यहां भी यही था, ठीक है। तो किंग जो था वो अपने जीवन काल में ही युवराज नियुक्त कर देता था और बिना किसी लव लवेश के वो ही जो है युवराज जो है वो राजा के मरने के बाद राजा बनता, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें हेयर ऑल्सो देयर वर डेफिकेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ किंग विद्यारण्य डिसाइडेड हरिहर वन टू रूल लाइक विरूपक्ष। देखिए मंत्रिपरिषद, देखिए अगर हम बात करें इनका, ठीक है, यहां भी राजा का जो पद हुआ करता था ये दैवीकरण था,
ठीक है, देवीयकरण, ठीक है। डेफिकेशन का मतलब होता है देवीयकरण, ठीक है। विद्यारण ने हरिहर फर्स्ट को विरूपाक्ष के समान शासन करने की घोषणा की, ठीक है। तो विद्रण ने जो हरिहर वन को जो रूल करने की घोषणा करी वो किसके अकॉर्डिंग करी, विरूपाक्ष के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक। तो ये था राजा के बारे में, ठीक है। अगला जो हुआ करता था इसमें, अगली जो यूनिट हुआ करती थी वो हुआ करती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद। देखिए, देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू असिस्ट द किंग इन रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, राजा को चूंकि प्रशासन चलाना रहता था, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का हेड हुआ करता था राजा, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है अगर आपको, तो आप अकेले तो चला नहीं सकते, आपको सलाह चाहिए होती है, ठीक है, आपको मदद चाहिए होती है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में। इसीलिए ये मंत्रिमंडल की नियुक्ति की गई ताकि राजा को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में मदद हो सके इनके द्वारा, ठीक है। तो राजा को चूंकि प्रशासन में सहायता देनी थी, इसीलिए मंत्री परिषद का गठन किया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। द किंग यूज टू अपॉइंट और डिसमिस द मिनिस्टर्स, समटाइम्स दीज पोस्ट वेर ऑल्सो मेड हेरिडिटरी। देखिए, राजा जो था, ठीक है, उसका हाथ मंत्रियों की नियुक्ति पर या उनके पद च्युती, मतलब एक तरीके से उनको हटाने से, पद से हटाना, ये दोनों काम कौन किया करते थे, सिर्फ और सिर्फ राजा किया करते थे। ये दोनों काम कौन किया करते थे, सिर्फ और सिर्फ राजा किया करते थे। और कभी कभार ये बताया गया है कि ये जो पद हुआ करते थे, ठीक है, ये हेरिडिटरी हो गए थे, मतलब वंशानुगत हो गए थे। वंशानुगत का मतलब आप जानते हैं, वंशानुगत का मतलब होता है कि भाई कोई भी हो वो इसी पीढ़ी का बनेगा, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर वो राजा बना तो फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, इसको बोलते हैं वंशानुगत हेरिडिटी, ठीक है। तो वैसे तो जनरली राजा ही इनकी नियुक्ति किया करता था और हटाया करता था, लेकिन कभी कभार ये पोस्ट क्या हुआ करती थी, हेरिडिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देयर वॉज ऑल्सो अनदर काउंसिल इन विच अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल रूलर्स, कमांडर्स, प्रीस्ट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट फैमिली वर इंक्लूडेड। देखिए, मंत्री परिषद के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक और भी परिषद हुआ करता था इनके समय में, एक और परिषद भी होती थी जिसमें मंत्री तो रहते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ प्रोविंशियल रूलर्स, मतलब प्रांतीय शासक, कमांडर्स सेनापति, प्रीस्ट पुरोहित, तथा राज्य परिवार के सदस्य, मतलब मेंबर्स ऑफ दी स्टेट फैमिली, ये भी इसमें हुआ करते थे, ठीक है। तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हुआ करते थे, मंत्री परिषद ही नहीं होता था, एक और भी परिषद होता था जिसमें सेनापति, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पुरोहित वर्ग, प्रांतीय शासक, ठीक है, और राज्य परिवार, इनके लोग भी हुआ करते, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक। तो राजा के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सी थी, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला अगर हम बात करें, ठीक है, अगली जो पोस्ट हुआ करती थी ये थी दंड नायका, ठीक है, दंड नायका। अगला जो ऑफिसर हुआ करता था वो हुआ करता था दंड नायका, ठीक है। अब ये दंड नायका कौन था, ये एक स्पेशल कैटेगरी का स्टेट ऑफिशियल था जिसमें कई सारे ऑफिशियल्स आया करते थे, जैसे जनरल्स हैं, जजेस हैं, गवर्नर्स हैं, यूज टू कम, ठीक है। दंड नायका मतलब हुआ करता था ये राज अधिकारियों की एक विशेष श्रेणी थी, ठीक है, देयर वाज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स, ठीक है। इसमें जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे, जैसे सेनापति हो गया, न्यायाधीश हो गया, गवर्नर, ये सब आया करते थे। तो आपको याद रखना है, देखिए, दंड नायिका का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो दंड देने पर सजा देता, ठीक है। तो जजेस वगैरह हो गए, जनरल्स हो गए, गवर्नर्स हो गए, ठीक है, ये सारे इनके हाई ऑफिशियल्स में आया करते थे, और इन्हीं को क्या कहा जाता था, दंड नायक, दंड नायक।
अगले जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे कार्यकर्ता, कार्यकर्ता, ठीक है। ये भी एक अलग कैटेगरी हुआ करती थी जिसमें जनरल ऑफिसर्स हुआ करते थे, मतलब इन ऑफिसर्स को छोड़ के, मतलब सेनापति, जज, गवर्नर, इनको छोड़ के जो अन्य सामान्य अधिकारी हुआ करते थे उनको, उनके उसको बोला जाता था कार्यकर्ता। ये दूसरी श्रेणी थी, ठीक है। मतलब पहली श्रेणी तो दंड नायिका थी और ये दूसरी श्रेणी थी जिसमें एक सामान्य अधिकारी, ठीक है, सिर्फ सामान्य अधिकारी आते थे। क्लियर? क्या नाम था इसका? कार्यकर्ता। ठीक, तो दो ऑफिसर्स आपको याद रखने हैं, एक तो दंड नायक और दूसरा कार्यकर्ता। ठीक, ये था सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, केंद्रीय शासन का। अब इसके बाद जो अगला आता है वो आता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो प्रांतीय। देखिए, ये राज्य था, जाहिर सी बात है राज्य में क्या होंगे, स्टेट्स होंगे, ठीक है, स्टेट्स में तहसील होंगी, तहसील मतलब ऐसे ही, अपना भी आज का सिस्टम भी ऐसे ही है। तो उस टाइम भी क्या हुआ करता था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रांतीय प्रशासन, ये हुआ करता था। ठीक, तो अब इसको हम पढ़ते हैं, प्रांतीय प्रशासन को। ठीक, तो इनमें अगर हम बात करें तो जो पूरा एम्पायर था, ठीक है, जो पूरा एम्पायर था वो किसमें बटा हुआ था, मंडल में, जिनको हम प्रोविंसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा एम्पायर था वो किसमें बटा हुआ था, मंडल्स में, जिसको प्रोविंसेस कहा जाता है। आज की डेट में हम उसको स्टेट कहते हैं। 28 स्टेट्स हैं भारत में, 28 स्टेट्स मतलब वी हैव गॉट द एंटायर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक, तो पूरा जो राज्य हुआ करता था वो मंडल में पार्ट हुआ करता था, या जिसको हम प्रोविंसेस भी कहते थे। इसके बाद फर्दर इनका डिवीजन होता था, मंडल्स जो थे उनको डिवाइड किया गया था कोट्टम्स में, जिनको बालानुदास भी कहा जाता था। मतलब जैसे अगर हम बात करें आज की डेट में, तो आज की डेट में हमारा जो पूरा देश है वो राज्यों में बटा है। अगर हम राज्यों की बात करें, ठीक, तो राज्य जो बटे हैं, ठीक है, वो डिविजन्स में बटा हुआ है, ठीक है, जिसको हम मंडल कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मंडल कहते हैं। ठीक है, तो जो राज्य था वो अलग अलग डिविजन्स में बटा हुआ था, ऐसे ही यहां पर भी जो मंडल था वो अलग अलग डिविजन्स में बटा हुआ था, जिनको कोट्टम कहा गया था। ठीक है, कोट्टम, या इसी को क्या बोला गया था, बालानादूस। ठीक है, तो बालानादूस इनको बोला जाता था। ठीक है, और कोट्टम्स जो थे वो किस में डिवाइडेड थे? नाडूस में। तो आपको याद रखना है पूरा एरिया मंडल्स में, मंडल किस में? कोट्टम में। कोट्टम किस में? नाडूस में। ठीक है, और फिर नाडूस जो हुआ करता था, ठीक है, वो किस में हुआ करता था? वो हुआ करता था मेलाग्राम में। ठीक है, नाडूस किस में डिवाइडेड थे? मेलाग्राम्स में। और एक मेलाग्राम में कितने गांव हुआ करते थे? 50 गांव। ठीक है, एक मेलाग्राम में कितने हुआ करते थे? 50 गांव। तो सबसे छोटी यूनिट तो गांव होता था, ऐसे 50 गांव मिलके एक मेलाग्राम बनाते थे, ऐसे कई मेलाग्राम मिलके एक नाडूस बनाते थे, ऐसे कई नाडूस मिलके एक कोट्टम बनाते थे, ऐसे कई कोट्टम मिलके मंडल बनाते थे, और ऐसे कई मंडल मिलके राज्य बनाते थे। ठीक, तो आपको समझ में आया इनका पूरा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले राज्य, राज्य के बाद मंडल, मंडल के बाद कोट्टम, कोट्टम के बाद नाडूस, नाडू के बाद मेलाग्राम, मेलाग्राम के बाद विलेज। समझ में आया आपको ये? ठीक, तो इस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो डिवाइडेड था। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को ये? ठीक है, अगला अगर हम इसमें पॉइंट देखें तो सबसे छोटी यूनिट जो मैंने आपको बताया था प्रशासन की, सबसे छोटी इकाई वो कौन सी थी? गांव, विलेज। विलेज के ऊपर मेलाग्राम्स, मेलाग्राम्स के ऊपर कोट्टम, कोट्टम के ऊपर मंडल, मंडल के ऊपर राज्य। क्लियर हुआ? ठीक, सबसे छोटी यूनिट क्या होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की? विलेज। ठीक, अगला अगर हम इसमें पॉइंट देखें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो द वर्ड्स स्थल एंड सीमा, ठीक है, दो वर्ड्स थे स्थल एंड सीमा, हैव आल्सो कम फॉर द ग्रुप ऑफ विलेजेस। देखिए, ग्रामों के समूह के लिए, ठीक है, स्थल तथा सीमा शब्द भी आया है। मतलब जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थी, ठीक है, उनके वर्ड्स के लिए स्थल और सीमा भी आया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर की, तो विजयनगर एम्पायर में टोटल 6 प्रोविंसेस थे,
विजयनगर एम्पायर में आपको याद रखना है कितने प्रोविंसेस हुआ करते थे, 6 प्रांत हुआ करते थे, जिनके चीफ ऑफिसर को नायक कहा जाता था। क्या बोला जाता था? नायक, याद रखिएगा। मतलब कि 6 प्रांत हुआ करते थे विजयनगर एम्पायर में, ठीक है, जिसके चीफ ऑफिसर को क्या बोला जाता था? नायक बोला जाता था। क्लियर हुआ? ठीक। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली और प्रोमिनेंट फ्यूडल लॉर्ड्स वर जनरली अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ नायक। समटाइम्स ऑफिसर्स ऑफ दंड नायक क्लास वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड ऑन दिस पोस्ट। देखिए, अब जो कि मैंने आपको बताया था कि इनके जो 6 प्रोविंस हुआ करते थे जिनका चीफ ऑफिसर नायक होता था, ठीक। अब नायक का जो पद हुआ करता था, पोस्ट जो हुआ करती थी, सामान्यता मतलब जनरली जो रूरल फैमिली हुआ करती थी, राज परिवार के सदस्य तथा प्रमुख सामंतों को नियुक्त किया जाता था, जो उनके सामंत हुआ करते थे। प्रोमिनेंट फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब सामंत होता है, ठीक है। तो या तो सामंतों को रिक्रूट किया जाता था नायक के रूप में, या फिर राज परिवार के सदस्यों को नायक के रूप में बनाया जाता, ठीक है। अब इनमें से कुछ ऑफिसर्स दंड नायक क्लास के भी थे, मैंने आपको बताया था दंड नायक क्लास, कुछ याद है आपको? दंड नायक क्लास मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन सी उसमें हुआ करते थे। इसमें सेनापति हुआ करता था, न्यायाधीश हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है। तो इसके भी सदस्य हो सकते थे नायक के रूप में, ठीक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द प्रोविंशियल गवर्नर्स हैड सफिशियंट ऑटोनोमस राइट्स, दे हैव देयर ओन आर्मी, दे कुड ऑल्सो लेवाई टैक्सेस एज वेल एज इशू करेंसी एंड कुड रिमूव और इंक्रीज और डिक्रीज देम, ठीक। देखिए, जो प्रशासनिक जो गवर्नर हुआ करते थे, दो प्रोविंसेस के गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, वो अपने आप में ऑटोनोमस उनके अधिकार हुआ करते थे, मतलब स्वायत्त शासी अधिकार, ठीक है, स्वायत्त शासी अधिकार ये इनके हुआ करते थे। किनके? जो प्रोविंशियल्स के गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। ये अपनी आर्मी भी रखते थे, ये टैक्सेस भी लगाते थे, इवन ये अपनी करेंसी भी चलाते थे, ठीक है। तो इनकी शक्तियों में या तो वृद्धि हो सकती थी या कमी इनको हटाया भी जा सकता। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोविंशियल गवर्नर अपनी खुद की ऑटोनोमस क्या चला रहे थे? गवर्नर चला रहे थे। इसके बाद बात करें, ही हैड टू सबमिट द अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रेस्ट हैड टू बी गिवन टू द रेवेन्यू सेंटर। देखिए, भले ही ये ऑटोनोमस हो गए थे, इनको अपना अधिकार था टैक्स कलेक्ट करना, आर्मी अपनी रखना, लेकिन फिर भी इनकी कितनी इनकम हुआ करती थी और कितना खर्चा हुआ करता था ये केंद्र सरकार को बताना होगा, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर क्या हुआ करता था ये किसको बताना था? केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बाकी किसको बताना था? रेवेन्यू सेंटर्स को। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक है। और अगर जरूरत पड़े, ठीक है, तो ये राजा को अपनी सेना भी दिया करते थे। कौन? राज्य वाले। राज्य वाले अपनी सेना हेल्प के लिए किसको दिया करते थे? राजा को दिया करते थे। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक। तो यहां पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। कल हम इसके बाद अगले जो और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनको देखेंगे और इनका सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम को देखेंगे। कल हमारा विजयनगर एम्पायर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एक दिन में हम क्या पढ़ लेंगे? बहमनी एम्पायर। तो अब 2 क्लासेस दूर हैं द ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर की शुरुआत करने से पहले, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज मैंने जितना पढ़ाया। देखिए, जितना भी मैं डेली डेली पढ़ाता जा रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा नोट से रिवाइज करते चलिए। नोट से रिवाइज रेगुलरली करते चलेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट उठ रहा है, ठीक है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद, नमस्कार।